नगर पालिका मलाजखंड के अधिकारियों की उदासीनता के कारण बिरसा बस स्टैंड जर्जर। मालूम हो कि 10 वर्ष से भी ज्यादा समय बीत जाने पर भी बिरसा बस स्टैंड में बनाए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी तक खाली पड़े हैं, जिसके जिम्मेदारों के कानों में अभी तक जूं तक नहीं रहेंगी, जिसका खामियाजा बिरसा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तथा करोड़ों रुपए केंद्र सरकार की हुड़को योजना अंतर्गत बनाए गए मोहगांव बस स्टैंड, नगर पालिका कार्यालय तथा बिरसा बस स्टैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी तक लोगों को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व में नगर पालिका द्वारा निकाले गए टेंडर की राशि लाखों रुपए में होने के कारण कोई भी स्थानीय व्यक्ति या व्यापारी द्वारा कॉम्प्लेक्स नहीं लिया गया। फिर भी नगर पालिका कार्यालय द्वारा न्यूनतम दर नियम बदल पर कुछ कॉम्प्लेक्स के कमरे किराए पर दे दिए गए थे, लेकिन पुनः दुकानदारों से अमानत राशि के नाम पर 2 लाख रुपए मांगने किरायेदारों ने कमरा खाली कर दिया, जिससे कुछ राजस्व की प्राप्ति हो जाती थी वह भी मिलना बंद हो गई। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मलाजखंड से सुभाष देशराज की रिपोर्ट।